तो देखिए, अखिलेश यादव विधायकी के साथ अब नेता प्रतिपक्ष से भी इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में चर्चा इस बात की होने लगी है कि अब शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिल सकती है, यानी अब विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी के सामने शिवपाल यादव हो सकते हैं, जो काफी दिलचस्प होगा। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जब मुख्यमंत्री योगी के सामने शिवपाल यादव होते हैं तो विधानसभा का नजारा कैसा होता है, देखिए रिपोर्ट में। कभी नहीं रुके होंगे क्योंकि उनको डर लगता था, पता नहीं कब हट जाए, कब पता नहीं चाचा कब कुर्सी हथिया लें। जल्दी शपथ दिला देना ना, जो मेरे ही साथ आ जाए। वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव ने विधायकी छोड़ दी, नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया और दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो गए। लेकिन इस इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा सवाल है, क्या नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर शिवपाल बैठेंगे? क्या अखिलेश यादव चाचा को कमान सौंपेंगे? क्या विधानसभा में योगी के सामने शिवपाल होंगे? क्योंकि अखिलेश यादव के इस्तीफे से चर्चा इस बात की शुरू हो चुकी है, जब यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी के सामने शिवपाल होंगे तो नजारा कैसा होगा, कैसे सदन में नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री योगी का सामना करेंगे। क्योंकि पिछले विधानसभा सत्र की तस्वीर की चर्चा फिलहाल तक हो रही है, जब सीएम योगी ने चाचा शिवपाल को लेकर चुटकी ली थी। केंद्र में जाएगा ही नहीं किसान, सीधा मंडी में चला जा, आ जाएंगे। आपने और माननीय मुख्यमंत्री जी आपने देखिए, आपका हम सम्मान करते हैं। साथी को जल्दी जल्दी शपथ दिला देना ना, जो मेरे ही साथ आ जाए। आपने शिवपाल जी, आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता ना, तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता। लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयार ही नहीं आपकी बात। पता नहीं चाचा कब कुर्सी हथिया लें। यूपी विधानमंडल में बात किसानों के मुद्दे पर हो रही थी, सीएम योगी सरकार के काम गिना रहे थे। लेकिन जब शिवपाल यादव का नाम आया तो सदन का माहौल खिलखिला उठा। हालांकि तब शिवपाल यादव सिर्फ विधायक थे, लेकिन अब उनके कंधे पर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी लदने वाली है। अब तो हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, हमारे विधायकों का, हमारे सांसदों का मनोबल तो बढ़ा है ही, बढ़ा ही है। तो अब ठीक है, विधानसभा में ठीक ही होगा। दावा है कि अखिलेश यादव जब दिल्ली की राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे तो यूपी की कमान वो चाचा शिवपाल यादव को सौंप देंगे, जिसमें सबसे बड़ा पद नेता प्रतिपक्ष का है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, सिर्फ कयास और संभावनाओं का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि अगले महीने विधानमंडल का सत्र बुलाया जाएगा, सत्र में अध्यादेशों को मंजूरी दिलाई जाएगी। पिछला सत्र 2 से 10 फरवरी तक चला था, इस बार शिवपाल हो सकते हैं नेता प्रतिपक्ष। यानी सिर्फ एक महीने का इंतजार और फिर यूपी विधानमंडल में अखिलेश की जगह शिवपाल यादव हो सकते हैं, जिनका मुकाबला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होने वाला है। और इस पल का इंतजार यूपी की जनता बेसब्री से कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानून व्यवस्था पर बैठक लेने जा रहे हैं। शाम 7 बजे बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक होगी, जहां पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी शामिल होंगे। आगामी त्योहारों और कानून व्यवस्था को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है। एडीजी जोन, मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नर, सभी आईजी और डीआईजी वर्चुअली इस बैठक से जुड़ेंगे। साथ ही सीडीओ, नगर आयुक्त और सीएमओ भी मुख्यमंत्री की इस बैठक में जुड़ने वाले हैं। आबकारी, पर्यटन, परिवहन विभाग के ऑफिसर्स भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। उधर कुवैत में हुए भीषण अग्निकांड में 49 लोगों की आग से झुलसकर मौत हो गई। हादसे में मरने वाले लोग, जिनमें सबसे ज्यादा भारतीय हैं, 41,
और इस घटना के बाद भारत सरकार की ओर से तत्काल कुवैत की सरकार से संपर्क किया गया, घायलों के शीघ्र इलाज के लिए कहा गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत शहर में आग लगने की दुर्घटना के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें भारतीय मूल के लोग प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कुवैत में आग लगने की दुर्घटना में हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने शोक स्तंभ परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। वहीं पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की बात कही है। घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी।